आटे के अंदर, चावल के अंदर चूहे की मेगनी वगैरह आ जाती है, तो इस सूरत में इनको पका सकते हैं, खा सकते हैं या नहीं खा सकते? तो आटे में या चावल में अगर चूहे की मेगनी हो तो उसको साफ़ करके निकाला जा सकता है। इसी तरह अगर वो आटा पक गया हो, रोटी बन गई हो, बेख्याली में रोटी के कुछ टुकड़ों में नज़र आती हो यानी साइड साइड में, तो रोटी के वो टुकड़े तोड़कर भी उनको निकाला जा सकता है और बाकी आटा, रोटी, चावल को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा है कि चूहे ने उसके अंदर पेशाब भी कर दिया और आटे में बदबू फैल गई, या फिर मैगनी इतनी ज़्यादा है कि जिसके अंदर बदबू हो या और उसकी बू बहुत ज़्यादा आती हो, तो इस सूरत में उसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और अगर कम हो, आटा ज़्यादा हो, मैगनी कम हो, तो फिर इस सूरत में उसको निकाल के आटे को इस्तेमाल कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, और ज़्यादा बदबू की सूरत में उसको इस्तेमाल ना किया जाए। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें कादरी होस्टिंग.com से।